हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ये शाही सेवई की रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस घर में रखे ही कुछ चीज़ों से ये बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही टेस्टी, मुंह में जाके एकदम घुल जाने वाला स्वाद होता है इसका। तो एक बार आप इसे ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें। ये ईद स्पेशल रेसिपी है, तो इस बार ईद में आप इसे ज़रूर बनाएँ। तो मैं यहाँ ले रही हूँ वाइट कलर का ये बारीक सेवई। इसे अच्छे से हमें तोड़ तोड़ करके जो है एकदम चूरा बना लेना है। आप चाहे तो यहाँ ब्राउन कलर का भी सेवई ले सकते हैं। देखिए इस तरह से इसे बना लेना है। अब हम यहाँ लेंगे 2 चम्मच घी। आप चाहे तो फॉर्चून ऑयल भी ले सकते हैं। इसे अच्छे रोस्ट करना है, लगातार चलाते हुए हमें, लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वरना हमारी सेवई जो है भुनेगी नहीं, जल जाएगी। देखिए हमें इसी तरह से लगातार इसे जो है चलाते हुए भून लेना है। ये अपना कलर धीरे धीरे से बहुत ही अच्छे से चेंज करता हुआ ये गोल्डन हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही अच्छे से भून चुका है। बस हमें 1 मिनट और इसे भूनेंगे। और अब हमें इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे 1/3 कप। बस इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अब हमें चीनी को जो है पिघलाने के लिए 1/4 कप इसमें दूध ऐड करेंगे। बहुत ही थोड़ा, कि सिर्फ चीनी पिघल जाए, बस इतना ही हमें दूध डालना है। देखिए अभी हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। कितना अच्छा, ये परफेक्ट सेवई बन के रेडी हो गया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे ठंडा होने रख देते हैं जब तक हम अपनी कढ़ाई चढ़ाते हैं। इसमें 3 कप जो है दूध ऐड करेंगे, ये फुल फैट दूध है। अब इसी में हम 1/4 कप जो है मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अभी गैस का फ्लेम बंद है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम अपने गैस का फ्लेम ऑन करके इसे उबालने के लिए रख देंगे। अब हम ले लेते हैं यहाँ 1/2 कप दूध और उसमें 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। तो देखिए हमारा दूध भी उबल चुका है अच्छे से। इसे हमें इस तरह लगातार चलाते हुए रहना है। अब हम इसमें अपनी चीनी ऐड करेंगे, जितना आपको मीठा पसंद है। आप चाहें तो यहाँ मिल्क पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगता है। अब हमें यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिला के एक बार इसमें ऐड कर देना है और लगातार चलाते हुए हमें पकाते रहना है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद जो है ये बहुत ही जल्दी से गाढ़ा होने लगता है। तो देखिए हमें इस तरह से लगातार चलाते रहना है। ये देखिए आपको देखने से पता चल रहा होगा कि बहुत ही जल्दी गाढ़ापन हो गया है इसमें। देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है। तो बस 1 मिनट हमें इसे और पका के गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम अपने केक टिन को अच्छे से जो है ग्रीस करके इसमें सेवई को फैला देंगे नीचे। आप चाहे तो कोई भी बर्तन में इसे कर सकते हैं। इक्वल में हमें फैला के इसे सेट कर लेना है किसी चम्मच या किसी गिलास से। इसे अच्छे से दबा दबा के, ताकि ये हमें निकालने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हमें इसके ऊपर अपने मिक्सचर को डालेंगे। तो देखिए फिर हम अपनी दूसरी लेयर इस पर रखेंगे। एकदम इक्वल में हमें फैलाना है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो आप इसे एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। अब फिर से हम इसमें अपने कस्टर्ड वाला मिक्सचर फैला देंगे अच्छे से इक्वल में। अब हम फिर से इस पर सेवई डालेंगे। आप चाहे तो इसे मात्र 2 लेयर में भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ 3 लेयर में बना रही हूँ इसे। फिर से इस पे कस्टर्ड वाला मिक्सर डाल के अच्छे से फैला देंगे। अब ये हमारा फाइनल लेयर है, इस पे अच्छे से सेवई को हमें फैला लेना है। बहुत ही अच्छे से हमें फैलाना है इस पे। तो बस ये हमारा फैल चुका है। अब हम इस पे गार्निशिंग कर देते हैं। आप अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैं यहाँ काजू और पिस्ता से इसे गार्निश कर रही हूँ। और इसे भी अच्छे से चम्मच से प्रेस करके सेट कर देंगे और 2 से 3 घंटा इसे फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। देखिए मैं इसे फ्रीज से निकाल चुकी हूँ। अब हम इसे निकालेंगे बाहर। देखिए ये बहुत ही अच्छा परफेक्ट बाहर निकल जाता है। बस साइड से हमें एक बार चाकू को इस तरह से घुमा लेना है। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब हमें इसे एक प्लेट पर जो है इस तरह से रखना है और फिर इसे पलट के थोड़ा सा टैप करेंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। हमने इसे बटर पेपर भी इस पे नहीं लगाया था, बस थोड़ा सा घी से इसे
ग्रीस कर दिया। तो देखिए ये कितना अच्छा से निकल गया। हमें इसे फिर से प्लेट लगा के इसे सीधा कर लेना है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा ये निकल गया है बाहर, एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला, बहुत ही प्यारा देखने में लग रहा था। और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं था। तो बस अपने पसंद की कोई भी शेप में इसे कट कर ले। मैं इसे चौकोट में कट कर रही हूँ। ये बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो देखिए हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे। मैं आपको एक पीसेस का निकाल के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है और एकदम मुलायम है, मुंह में घुल जाने वाला स्वाद है इसका। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। देखिए ये कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसे आपको कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए इसकी तीनों लेयर कितने अच्छे से दिख रही है। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर